4:20 गाड़ी आ गया है। पीछे में जगह है तो नहीं ना। पूरा पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा इसका। एक ही है यहाँ पे। हेलो देख लेना। बाकी एक ग्रुप भी आ गया और यहाँ पे वेट नापने का मेरी मशीन आ गया है। पूरा प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं। मेरे घर वाले कभी नहीं आते छोड़ने। हेलो हम अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। मेरा घर वाले कभी छोड़ने नहीं आया मेरे को। घर से बोल देता निकलो बताओ। इतना अर्जेंट घर वालों देखो। फाइनली सिक्योरिटी चेक हो गया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था सिक्योरिटी चेक में कि जब हम लोग का बोर्डिंग पास हम लोग निकाला था तो प्रिंट आउट नहीं था, फ़ोन में था और 6 जन सब साथ में किया। सिक्योरिटी चेक वाले काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किए थे वरना हम लोग यहीं पर रह जाते आज। मम्मी ने गलती किया। मम्मी ने कोई गलती नहीं। मम्मी बैग छोड़ दी थी ये वाला, वो तो मेरे को याद था इसलिए हम बचा लिया। इट्स ओके, माफ किया आप सबको। तो बात ही क्या था। हाँ। अच्छा ये नहीं होते तो हमारा क्या ही होता है ना। धन्यवाद धन्यवाद। 4:30 पे एक आधा वहाँ पे आधा अपना फोन लगा हुआ है। उसको भी हम लोग चेक इन बैग में देने वाले थे लेकिन वो लोग बोला काफ़ी ज़्यादा हल्का ही है, इसको हाथ में लेके जाओ। देखिए धन्यवाद। तुम लोग ही हंस के ऐसे वो किया। एकदम टेडी बेयर लग रहा है। जब ऐसे कैब में दिया ही ना तो मेरा मन किया दी बोले क्या है ऐसे बेबी बेबी कुछ निकल जाए मुंह से, लेकिन फिर प्रथम दिख गया दूसरे साइड में। बेबी बुलाने तो नहीं, बेबी दिख गया। अच्छा जीजू व्लॉग नहीं देखेंगे ना? जीजू व्लॉग नहीं देखेंगे ना? देख सकते हैं। अरे बहन जैसी हम तो राखी बंधवाने वाले ही है बस। लड़ाकू बहनों के बीच में मेरे को बिठाया गया ताकि लोग झगड़ा ना करें। लड़ाकू नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ये विंडो सीट ले ली है क्योंकि इसको ये उम्मीद था कि यहाँ से पहाड़ दिखेंगे लेकिन ये फ्लाइट दिल्ली तक ही जा रही है, इसको ये नहीं पता था। हाँ ये बड़ा खुशी से यहाँ झगड़ा करके बैठी है। लेकिन तो तेरा कौन सी सीट है? 17 यही है। अच्छा ठीक है, किस्मत से यही मिली है इसको। लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बादल 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 में भी वाइब है वहाँ पे। मेरा सीट है लेकिन दीदी अपने बेटे के साथ में बैठी है। हेलो हेलो हेलो। दिल्ली पहुंच गए हम लोग और अभी एयरपोर्ट पे बैठे हुए क्योंकि 3 घंटा है हम लोग की फ्लाइट को वापस उड़ने में। अब यहाँ से सीधा जम्मू। सब लोग यहाँ पे ही हैं बैठे हुए हैं। वो देखिए मम्मी रोल बांट रही है सबको। बुढ़िया दी गोद ले ली है मेरे को। हाँ यश मेरा बेटा बन गया है। तुम तो मौसी बन गई मेरी। बहुत टेस्टी मैं कौन बनाई है आपकी। बहुत यम्मी है। क्या टैलेंट है वाह। बाकी बहनों को क्या हुआ आपकी? सीखेगी, टाइम लगेगा। भी प्रथम काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था हम लोग से कि पहला क्वेश्चन क्या था तेरा? पहला क्वेश्चन था एक आदमी के सामने 4 केले रख दिए, उसने 3 क्यों खाए? एक हाथी के सामने 4 केले रखे लेकिन हाथी ने 3 ही खाए और एक नहीं खाए, तो ऐसा क्यों? वीडियो पॉज करो और सोचो थोड़ा दिमाग लगा कर, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। तो इसका आंसर हम लोग को किसी को नहीं आया तो फिर प्रथम इसका आंसर दिया केला प्लास्टिक का था। केला प्लास्टिक का था। फिर दूसरी बार एक हाथी के सामने फिर से 4 केले रखे गए, उसने 4 ही नहीं खाए, तो इसका आंसर मैंने क्रैक किया। तो आप वीडियो पॉज करो और कमेंट करो इसका भी कि क्या लगता है आपको। तो इसका आंसर है हाथी प्लास्टिक का था। तो हाथी ही प्लास्टिक का था इस बार। तो अब प्रथम है वो टंग ट्विस्टर दे रहा है। हाँ वो टंग ट्विस्टर क्या? रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, 10 बार फटाफट बोल के दिखा। तुम बोल के दिखा पहले 10 बार। खुद बोल के दिखाओ। चैलेंजर करके दिखाता है। हाँ ठीक है, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ।
बस कर बस कर, आ जाएगा यहाँ किसी का मूड बन जाएगा, बाथरूम भी पीछे ही है। तो ये हम टंग ट्विस्टर नहीं बोल पाए। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। दूसरा चेक इन होने वाला हम लोग का फ्लाइट में, यहाँ से दिल्ली टू जम्मू। अब 1:30 बजे तक हम लोग जम्मू में पहुँच जाएंगे और 2:30 बजे तक आनंद में लोग आएंगे, तो उनका वेट करेंगे वहाँ पहुँच के। आज के दिन का सेकेंड फ्लाइट टंग ट्विस्टर अभी बाकी है मेरे दोस्त।